हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेन ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कमी वन, कमी टू, कमी थ्री शेप के बारे में। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, राइट। ये सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और जो भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करना ना भूलें। और एक चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, शेफ इंटरव्यू बुक। इसमें है बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स। बुक लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलो अभी बात करते हैं आज का मेन टॉपिक में। सबसे पहले हम बात करेंगे कमी थ्री शेप के बारे में। कमी थ्री शेप किचन का सबसे छोटा पोस्ट है, लेकिन उनके नीचे भी ट्रेनीज काम करते हैं। आप कमी थ्री में काम करते समय आपको वहाँ पे सबसे पहले अपना हाइजीन का ख्याल करना है। वहाँ पे जो कटिंग रहते हैं, मीजा प्लस रहता है, वो काम आपका रहता है, तो आपको वो काम पे वहाँ पे ध्यान देना रहता है। जो कमी टू काम करते हैं, ऐसा कैसा काम करना है आपको वहाँ पे सीखना रहता है, राइट। कमी टू आपको जो काम बोलेगा, कमी वन सेफ जो काम बोलेगा वो आपको वहाँ पे करना रहता है। लेकिन आपको जॉब में अप्लाई करने के लिए अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, कहीं से ट्रेनिंग लिया है, तो वो सर्टिफिकेट और जो आपको खाना बनाना आता है, दो तीन प्रकार के डिशेज वहाँ आपको देना होंगे, थोड़ा ठीक ठाक का, लेकिन इतना हाई फाई भी नहीं और इतना लो भी नहीं। लेकिन जो भी आपको अच्छे से बनाना आता है वही वहाँ पे दो, और जाने से पहले आप रेडी होके जाओ कि आपको देना क्या है, कैसा उसको बनाना है, उसकी तैयारी आप खुद से करो, उसको रेसिपी लिख के रखो, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बनाओ, तभी आप फूड ट्रायल के लिए जाओ, तो आप वहाँ पे पास हो जाओगे। जिसने होटल मैनेजमेंट नहीं किया है, कहीं पे एक दो साल हेल्पर में काम किया है, तो वो भी कमी थ्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा वहाँ पे काम आनी चाहिए, राइट। और एक दो डिश जो अच्छे से बनाना आना चाहिए, आप वहाँ पे भी आप कमी थ्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो होटल मैनेजमेंट किया है उन्हीं के लिए कमी थ्री में काम है, ऐसा नहीं है। आप होटल मैनेजमेंट बिना घर के भी आप कमी थ्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करेंगे कमी टू शेफ के बारे में। अभी आपका एक लेवल बढ़ चुका है, आप कमी थ्री से कमी टू शेफ बन चुके हो, तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। आपको हर काम ध्यान से यहाँ पे करना रहता है। कमी टू में अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम एक से डेढ़ साल का कमी थ्री का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, राइट। तभी जाके आप कमी टू में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इससे भी ज़रूरी ये है कि आपने काम कितना सीखा है, आपने कितना टाइम काम किया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने काम कितना सीखा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी जाके आप कमी टू में काम कर पाओगे। कमी टू में ट्रायल देने के लिए आपको कम से कम तीन से चार डेज अच्छा वहाँ पे देना होगा, क्योंकि अभी आप कमी थ्री से कमी टू में जा रहे हो तो आपका लेवल भी अभी बढ़ चुका है, राइट। तो इसके लिए ध्यान दो, आप जाने से पहले अपनी तैयारी करो, ट्रायल कैसा देना है, कौन सा डिश देना है, आप क्या क्या अच्छे से बना सकते हो, आप प्लेटिंग कैसा कर सकते हो, ये सारे चीज़ के बारे में आपको वहाँ पे ध्यान भी देना है। और कमी टू सेफ किचन में जो भी डिपार्टमेंट में काम करता है वहाँ का मीजा प्लस पूरा दिखता है, छोटा मोटा जो ऑर्डर आता है वो सारा वो लगाता है, कमी वन सेफ जो काम बोलता है वो करता है, और कमी थ्री से भी वो काम कराता है। स्टोर रिसीविंग करना हो तो कमी थ्री से वो रिसीविंग कराता है या खुद जाके लेके आता है, राइट। ये सारी चीज़ें जो भी है वो कमी टू सेफ काम करके वहाँ पे देता है। अभी हम बात करेंगे कमी वन सेफ के बारे में। कमी थ्री, कमी टू, कमी वन, यहाँ पे आपका एक लेवल और बढ़ चुका है। अभी आप कमी टू से कमी वन से बन चुके हो, तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे बढ़ती है। आपको अपने डिपार्टमेंट में जितना भी जो खाना बनता है उस सारे के बारे में अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो खाना आप बना के देते हो उसका क्वालिटी, क्वांटिटी, प्लेटिंग, सारे चीज़ यहाँ पे अच्छा होना ज़रूरी है। आपके ऊपर डी सीडीपी शेफ, सीडीपी शेफ काम करते हैं, और नीचे कमी टू, कमी थ्री और ट्रेनीज रहते हैं, तो आपको वो सारे से काम कराना रहता है जो आपके नीचे काम करते हैं, जैसा कि कमी टू, कमी थ्री, ट्रेनीज, वो सबसे आपको काम करा के लेना है। जितना भी आपका डिपार्टमेंट का मीजा प्लस है, जो भी वहाँ पे सेटिंग है, वो सारे चीज़ आपके ऊपर रहते हैं, और जो ऑर्डर आते हैं वो भी आप ही वहाँ पे लगाते हो, तो यहाँ पे आपके जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होता है। जब ऑर्डर ज़्यादा आता है या कुछ खास ऑर्डर आता है तो वहाँ पे आपको डेमी शेप आएंगे या सीडीपी शेप आएंगे, नहीं तो आपको जो छोटा मोटा ऑर्डर होता है वो सारे कमी वन से भी लगाते हैं। जिस दिन डेमी शेप का छुट्टी रहता है या सीडीपी का छुट्टी रहता है, तो उस दिन भी आपका जिम्मेदारी और यहाँ पे ज़्यादा बढ़ता है। कमी वन सेप में अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम दो साल का कमी टू का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है।
और आपको काम भी यहाँ पे अच्छे से आना ज़रूरी है। कमी वन के लिए आपको फूड ट्रायल में मिनिमम 6 से 7 डिशेस यहाँ पे देना होंगे, वो भी एक अच्छा खासा, क्योंकि आपका लेवल अभी बहुत ऊपर है। तो आपको ध्यान देना है सारी चीज़ को, और अपने हाइजीन डिपार्टमेंट का पूरा आपको केयर करना रहता है, कैसा ऑर्डर जा रहा है सारी चीज़ें मैनेज करना रहता है, राइट। ये सारी चीज़ आप वहाँ पे देखते हो। यही होता है एक होटल में कमी 3, कमी 2, कमी 1 सेफ। कमी 1 सेफ के ऊपर भी DCDP सेफ, CDP सेफ, सू सेफ, सीनियर सू सेफ, एग्जीक्यूटिव सेफ, बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे रहता है। ये डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है। अभी आप कौन सा पोस्ट में काम कर रहे हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतने ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।